हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैमोमिला के बारे में। कैमोमिला जो जनरली बच्चों की मेडिसिन कही जाती है, और अब के समय में बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और आपको पता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, और कुछ भी हाथ में देने से वो फेंक देते हैं। ऐसे परिस्थितियों में जब कोई फीवर नहीं समझ में आए और जब सिर्फ नेचर की बात हो, तब आपको होम्योपैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो आज हम कैमोमिला के बारे में ही समझेंगे कि आपको कैमोमिला कब और किन परिस्थितियों में यूज़ कर सकते हैं, और किन किन लोगों के लिए ये ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट देता है। हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो पहुंचाते रहें। जनरली कैमोमिला में बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, और अगर आप चिड़चिड़ापन की बात करेंगे तो बच्चा ही नहीं, ये जो पेशेंट होता है वो भी बहुत चिड़चिड़ापन होता है। यानी कि अगर आप उसको एक डॉल देते हैं, थोड़ा देर खेलता है, फिर उसको फेंक देता है, आपको लगता है कि वह वो कोई नेक्स्ट चीज़ या नेक्स्ट डॉल की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरह का बच्चा हो, बहुत ज़्यादा, यानी जब चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और किसी भी तरीके से चुप नहीं हो, तो ऐसे कंडीशंस में आप कैमोमिला 30 पोटेंसी में सिर्फ एक बूंद रोज़ सुबह एक बार दें, तो धीरे धीरे ऐसे बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उनके मानसिक परिस्थितियों में अंतर आना शुरू हो जाता है। तो जनरली हम आज कैमोमिला के वो सारे लक्षण समझेंगे कि आप कब और किन किन रोगों में कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं। जनरली वैसे बच्चों को आपको 1 हफ्ता कैमोमिला देना है, और उसके बाद फिर वेट करना है कि और क्या अंतर आ रहा है। जनरली कैमोमिला का जो पेशेंट होता है, उसको ठंड हवा बर्दाश्त नहीं होता है, और अब आप समझ सकते हैं कि कैमोमिला को साइटिका गठिया में क्यों ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो गठिया और साइटिका का जो पेन होता है, वो अनबियरेबल पेन होता है, यानी कि बर्दाश्त से बाहर होता है, और ठंड में ही ये दोनों बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि ऐसा कोई भी दर्द जो बर्दाश्त के बाहर हो जाए, और वहाँ पे अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हैं और राहत नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट पेन किलर कैमोमिला हो सकता है। आप कैमोमिला को 30 पोटेंसी मिलेंगे। अगर वृद्ध हैं या बड़े में यूज़ करा रहे हैं, तो कैमोमिला को 200 पोटेंसी में लीजिए। 5 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए। धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। एक चीज़ और, पेन इसका इस कदर दर्द जब इसका कैमोमिला का बढ़ता है, तो इस तरीके से बढ़ता है कि आप घबराहट में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसे प्रसव के समय में अगर दर्द हो, और दर्द बहुत ज़्यादा देर तक बना रहता है, बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है कि पेट फट जाएगा, या जो प्रेगनेंसी की प्रेग्नेंट लेडीज है, उसको इतना दर्द होता है कि वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाना, दौड़ना, उठ कर घूमना, ये सारे कंडीशंस आपको कैमोमिला में मिलेगा। अक्सर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको ये कैमोमिला के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिनको भी प्राइमरी प्रेगनेंसी के कंडीशंस में पेन होता है, वो कैमोमिला अपने साथ रखें, 2 दिन 3 दिन लें, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ दें। इसके अलावा ऐसा लगता है कि बच्चेदानी का मुंह, जो जरायु का मुंह होता है, बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है, खुलता नहीं है, उसको खोलने के लिए भी आप कैमोमिला 30 का यूज़ करेंगे। कैमोमिला 30 को 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर धीरे धीरे यूज़ कराएं, हर आधे घंटे पे दें। धीरे धीरे आपका बच्चेदानी का मुंह नरम हो जाता है, खुलने लगता है। कैमोमिला को आप दांत दर्द में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे दर्द जो गर्म पानी से दर्द तकलीफ बढ़ जाती है, आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि दांत दर्द अगर ठंडे पानी के वजह से बढ़ जाए,
तो आपको कॉफिया यूज़ करना है, ब्रिनिया यूज़ करना है। और अगर गर्म पानी पीने से तकलीफ बढ़ जाए, चाय पीने से बढ़ जाए, गर्म पानी पीने से बढ़ जाए, तो आपको कैमोमिला यूज़ करना है। सेम वही कंडीशंस आपको कान के दर्द में भी होता है। कान के दर्द में टपक की तरह दर्द होगा, बच्चा रात में अचानक से उठता है और बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप पेन किलर इंजेक्शन भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, तो दर्द कम होता है लेकिन दर्द यथावत बना रहता है। अगर आप उसके जगह कैमोमिला 30 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे पेन, अनबियरेबल पेन धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। याद रखें, ऐसा कोई भी कान का दर्द जो ठंडी हवा लगने से बढ़ गया हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, तो आप उस कंडीशंस में कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए 30 पोटेंसी मिलेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में कम से कम 3 बार दें। ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप आधा आधा घंटा से भी दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं साइटिका का, जो मैंने आपको बताया था कि साइटिका, जितने भी साइटिका का पेन होते हैं, अक्सर लोग रस्टक्स यूज़ करते हैं, रूटा यूज़ करते हैं, और यही वजह है कि वो रिजल्ट नहीं मिलता है। कैमोमिला का जो साइटिका पेन होता है वो झंझनाहट के साथ होता है, यानी पैरों के नसों में झंझनाहट होती है, उसके साथ साथ दर्द होता है। ये वो नेचर है जो आपको होम्योपैथ से बहुत बढ़िया से भेंट करा सकता है, अगर आप साइटिका के पेशेंट हैं तो। और जिनको भी विश्वास नहीं होता हो साइटिका या होम्योपैथ पे विश्वास नहीं होता हो कि रिजल्ट मिलता है, इसको खाने से मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ऐसे अनगिनत सवाल इतने कम उम्र में हम लोगों को बहुत बार देखने को मिले, साहब ये दवा खाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साहब आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी आपकी उम्र है उससे कई गुना ज़्यादा ये होम्योपैथ हो गई, और जितनी आपकी उम्र है उससे कई गुना ज़्यादा लोगों ने ये अपने आप पे प्रूफ करके देख चुका है। ये एक चैलेंज नहीं, ये एक पद्धति है। आपको इस पे अविश्वास तभी हो सकता है जब आप इसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करें। कई बार लोग मेरे पास ऐसे मैसेज भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि साहब साइटिका का कोई बढ़िया दवाई बता दे दीजिए, गठिया का कोई बढ़िया दवा बता दीजिए। तो आपको ये जानना पहला ज़रूरी है, आपको अपने आप को शिक्षित करना पहले ज़रूरी है कि पर्टिकुलर डिजीज वाइज मेडिसिन होम्योपैथ में नहीं होती है। और जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि होम्योपैथ को लक्षण के हिसाब से, जैसे मैंने अभी बताया कि झंझनाहट के साथ साथ दर्द होता है, अब साइटिका में पेन तो कई तरह से होता है, पेन होता है, सिर्फ दर्द होता है ऊपर से नीचे की तरफ हो या नीचे से ऊपर की तरफ हो, अगर कमर में दर्द हो और वो दर्द नीचे की तरफ जाता है तो वो भी साइटिका है, उसमें आपको आर्निका यूज़ करना है। अगर दर्द नीचे से शुरू होता है और कमर तक चला जाए तो वो भी साइटिका है, उसमें आपको लीडमपाल यूज़ करना है। अगर गाउट के वजह से साइटिका का पेन हो रहा है, यानी नस दब रही है, अर्थराइटिस के वजह से कभी कभी साइटिका का पेन आ जाता है, तो उसमें आपको साइटिका का इलाज नहीं करना है, उसमें आपको अर्थराइटिस का इलाज करना है। और यही वो गैप है, यही वो सिम्टम्स हैं जिसके सहारे आप आनंद ले सकते हैं लाइफ का। बहुत बड़ा बड़ा इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत लंबा लंबा पेन किलर नहीं खाना होगा आपको। अगला अगर बात किया जाए तो जब बच्चों को दांत निकलता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट के समय की परिस्थिति होती है, और उस कष्ट के समय को अगर आप बहुत बढ़िया से ट्रीट करना चाहते हैं तो कैमोमिला अपने पास ज़रूर रखें। ऐसा बच्चों को दांत निकलते समय ऐसा अक्सर ज़रूर होता है कि लैट्रिन ग्रीन होने लगती है, स्टूल ग्रीन होता है, उसके साथ साथ दांत निकलता है और बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। और वैसे कंडीशंस में अगर आप कैमोमिला 30 पोटेंसी में 2 से 3 बूंद रोज़ दें तो धीरे धीरे दांत नॉर्मली ग्रो कर जाएगी और स्टूल जो ग्रीनिश हो रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि गैस का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है,
और खास करके अभी का जो मौसम है, बरसात का मौसम चल रहा है, और अभी अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए अचानक से और ऐसा लगे कि पेट फट जाएगा, तो वैसे गैस का बेस्ट पेन किलर आपको कैमोमिला मिलता है। कुछ नहीं करना है, कैमोमिला 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर हर आधे आधे घंटे पे दीजिए। 2 घंटे बाद वो व्यक्ति आपको आपके घर तक छोड़ने जाएगा। इसके अलावा कैमोमिला का यूज़ आप फॉल्स लेबर पेन के लिए कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अभी प्रेगनेंसी का डेट नहीं है, प्रेगनेंसी का समय नहीं है, लेकिन पेन हो रहा है, तो वैसे फॉल्स लेबर पेन को ख़त्म करने के लिए आप कैमोमिला 30 पोटेंसी में देंगे, या जनरली मैं अपना 3x यूज़ करता हूँ, तो आप 3x यूज़ करें, 3x में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर आप बाहर चले गए हैं, ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि कभी कभी पूरा धूप रहता है, फिर अचानक से बादल छा जाते हैं और बारिश हो जाती है, और वैसे भीगने के बाद जब खांसी हो और सुरसुराहट के साथ खांसी हो, तो सबसे बेस्ट और सबसे प्राइमरी रिजल्ट आपको कैमोमिला से मिलता है। शर्त भी यही है कि ठंडी हवा से कोई भी तकलीफ बढ़ जाए। अब जाहिर सी बात है, ठंडी हवा से तकलीफ आपको एकोनाइट में भी बढ़ेगा, बेलाडोना में भी बढ़ेगा, कैमोमिला में भी बढ़ेगा। आप सवाल पूछेंगे कि साहब एकोनाइट दें, बेलाडोना दें, कैमोमिला दें, तो आपको पता है एकोनाइट आपको तुरंत राहत देगी, फिर वो तकलीफ हो सकती है। एकोनाइट तुरंत के लिए है। अभी आप चल रहे हैं, सर्दी लग गई, आपको एहसास हुआ और आपने एकोनाइट ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत राहत देगी। बेलाडोना और कैमोमिला का पेन बहुत मार्जिनल ध्यान देने योग्य होता है। बेलाडोना में एकदम चेहरा तमतमा जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, कैमोमिला में ऐसा कुछ नहीं होता है। दर्द जो भी हो वो अनबियरेबल होता है, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे सूखी खांसी के लिए भी आप कैमोमिला का ट्राई करें, 100% रिजल्ट मिलता है। एक चीज़ और आप देख सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि स्तनपान करने के बाद भी गृहिणियों को स्तन से दूध टपकते रहता है। अगर ऐसे बीमारी से आप पीड़ित हैं तो भी आप कैमोमिला को ले सकते हैं। कैमोमिला 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम ले लें, या अगर आपको जो आंखें हैं, पलकें हैं, वो सुबह सुबह रोज अगर फूल जाती हैं, सूजन हो जाता है, तो वैसे कंडीशंस में भी आप कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं। कैमोमिला 30 पोटेंसी मिलेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम लीजिए, धीरे धीरे आपके आंखों में होने वाली सूजन जो सुबह के समय होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब अक्सर कैमोमिला का जो प्रयोग था वो मैंने आपको बताया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैमोमिला बच्चे और जच्चा पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है। एक नॉर्मल उदाहरण दे दे, अगर बच्चे की माँ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रही है, और क्रोध होने से बच्चा अगर अकड़ने लगे, तो आपको कैमोमिला देना है दोनों को। अगर आपके पैर के तलवों में जलन हो रहा है, और पैर के तलवों का जलन पल्सेटिला सल्फर से नहीं जा रहा है, तो आपको कैमोमिला की तरफ एक बार देखना चाहिए। आप वैसे कंडीशंस में कैमोमिला को 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर 200 पोटेंसी में, अगर बड़े व्यक्ति को जलन होता है तो 200 पोटेंसी में यूज करिए, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा डायरिया में भी आप कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं, बेचैनी में कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो सारे सिम्टम्स हैं जिसमें आप कैमोमिला का यूज़ कर सकते हैं, चाहे कान का दर्द हो, चाहे फॉल्स लेबर पेन हो, चाहे दांतों में दर्द हो, ये लगभग लगभग सभी बीमारी में आपको वर्क करेगी।
घाव या जख्म में भी यूज किया जाता है। इसके लिए आपको कैमोमिला 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर उसको खिलाएं, धीरे धीरे घाव रिकवर कर जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ज़रूर इसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। जो रिजल्ट मिलता है उसका आप रिपोर्ट डालें, जो रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो भी आप सिम्टम के साथ रिजल्ट डालें कि साहब ये दवा आपने बताई थी और नहीं मिला, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि आखिर दिक्कत कहाँ से हो रही थी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।